राजी का चश्मा। सलाम चुन्नू। सलाम। सलाम मुन्नी। मुझे बारिश पसंद नहीं है और कहानी भी पसंद नहीं है। अरे क्या हुआ मुन्नी? अरे मुझे इसकी समझ नहीं आती, अब क्या हो गया इसे? अब बताओ भी क्यों पसंद नहीं? पसंद नहीं है बस। चलो कोई बात नहीं, जब भी चाहो तो बता देना। अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, ठीक है? इसको छोड़ते हैं, हम कहानी की तरफ चलते हैं। अब वक्त है कहानी का। तो कहा था कि तुम्हें पसंद नहीं है। अब तो पसंद करती है ना। एक दफा का जिक्र है, खुदाए मेहरबान के अलावा कुछ भी नहीं था। हमारी कहानी में जो छोटी मरियम है, इसके एक बूढ़े दादा जान थे। वो सब सारे एक ही घर में रहा करते थे। उसके दादा रोजाना चश्मा लगाते थे ताकि इनकी आंखें देख सकें। वो अच्छे से चलने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी रखते थे। क्या रखते थे? छड़ी। मुझे छड़ी दो। एक सवाल है मेरा कि दादा बूढ़े क्यों थे? चुन्नू जान, बूढ़े इंसान इसलिए बूढ़े होते हैं कि वो काफी वक्त पहले पैदा हो चुके होते हैं। मुझे छड़ी दो। अरे मेरी छोटी सी मुन्नी, तुम्हें छड़ी क्यों चाहिए? दादा छड़ी की मदद से चलते फिरते थे, तुम्हें छड़ी की जरूरत नहीं। एक दिन छोटी मरियम ने देखा कि इसके दादा सुबह से जागे हुए हैं और कुर्सी और मेजों से टकरा रहे हैं। अरे तो उनके पास चश्मा नहीं था क्या? दादा चश्मा पहनने के बावजूद सही नहीं देख पा रहे थे। मुझे चश्मा पसंद है। शाबाश प्यारी मुन्नी, चश्मा बुरी चीज नहीं है। जिसकी आंख कमजोर होती है वो चश्मा लगाता है। छोटी मरियम अपनी माँ के पास गई और कहा, दादा जान का चश्मा खराब हो गया है। तो फिर मामा ने क्या कहा? अभी बताता हूँ तुम दोनों। छड़ी। बताओ बताओ। हाँ तो चुन्नू और मुन्नी, हम वापस आ गए हैं। चुन्नू बताओ, क्या तुम्हें याद है कि कहानी में कहाँ तक पहुँचे थे? छोटी मरियम ने अपनी मामा से कहा कि उसके बूढ़े दादा का चश्मा खराब हो गया है। मुझे चश्मा दो। अरे मेरी जान, जब उसकी माँ ने सुना कि दादा हर चीज से टकरा रहे हैं, तो कहा, दादा की आंखें यकीनन बहुत कमजोर हो गई हैं और इसलिए इनका चश्मा बदलना पड़ेगा। मतलब इसके दादा और ज्यादा बूढ़े हो गए थे। मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं, मुझे भी चश्मा चाहिए। अरे मरियम की माँ ने भी फैसला किया कि दादा जान को आंखों के डॉक्टर के पास ले जाएंगी। आंखों का डॉक्टर? मामा ने पहले छड़ी उठाकर दादा को दी ताकि दादा गिरे नहीं। उसके बाद मामा ने चश्मे को उठाया, चश्मे को अपने हाथ में लिया और देखा, देखा तो हंसने लगी। क्यों मामा मुस्कुराई? क्या मामा को दादा अच्छे नहीं लगते थे क्या? मरियम भी अपनी माँ से बहुत नाराज हुई और यही सवाल पूछा। माँ ने चश्मा मरियम को दिया। मरियम ने जब चश्मा देखा तो मरियम भी चश्मा देखकर हंसने लगी। अरे फिर छोटी मरियम क्यों हंसी? मैं भी हंसूंगी, मरियम मेरी दोस्त है, प्यारी मरियम। मैं तुम्हारी हंसी पे कुर्बान जाऊं, लेकिन मरियम और उसकी माँ की हंसी की वजह कुछ और थी। वो एक मकड़ी थी, बिल्कुल दादा के चश्मे के शीशे के ऊपर उसने जाला बना दिया था। मकड़ी? ताली बजाओ ए मकड़ी, ताली बजाओ। किससे ताली बजाने का कह रही हो? क्या मकड़ी भी ताली बजा सकती है? हाँ, इसी जाले की वजह से दादा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
दादा को मकड़ी नजर नहीं आया। मकड़ी आकर दादा के चश्मे पर एक जाला बुनकर चली गई। फिर दादा की आंखों को नए चश्मे की जरूरत नहीं नहीं जरूरत नहीं थी। मकड़ी मुझे बहुत पसंद है। अब ये क्या है, मकड़ी भी नुकसान पहुंचाने वाला जानवर नहीं है। अच्छा, हमारी कहानी खत्म हुई, लेकिन आज हमने कौन कौन से अल्फाज सीखे? चश्मा, छड़ी और मकड़ी। बच्चों से गुजारिश है कि एक कहानी लिखकर वो हमें भेज दें या एक ड्राइंग बनाकर भेज दें। हम उसे अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। अच्छा, अब जाने का वक्त आ गया है। खुदा हाफिज चुन्नू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुन्नी। मैं अपने दादा जान से प्यार करती हूँ।